फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र राजपूत ने अधीक्षण अभियंता इंजीनियर एनपी सिंह साहब के निर्देशों के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर आई हुई शिकायतों के निस्तारण हेतु अपने अधीनस्थ अवर अभियंता दीपक सक्सेना, स्वतंत्र यादव एवं देवेंद्र सिंह के साथ ग्राम नगला अतिया में औचक निरीक्षण किया, जिसमें 12 लोगों को अपने परिसर पर स्थापित मीटर को आने वाली केबल में कट कर अथवा एक अलग से केबल डालकर स्थापित मीटर को बाईपास करते हुए अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करने के लिए 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं पर 9,18,356 बकाया होने पर लोगों को कनेक्शन की केबल को पोल से काट कर नीचे गिरा दिया गया है। मैं धर्मेंद्र कुमार राजपूत, उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग सिरसागंज, आज अपने अधीक्षा इंजीनियर एनपी सिंह साहब के निर्देशों के अनुपालन में माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु अपने अधीनस्थ अभियंता देवेंद्र सिंह, दीपक सक्सेना एवं स्वतंत्र यादव जी के साथ ग्राम नगला अतिया पहुंचे तो हमने पाया कि लगभग एक दर्जन लोग अपने परिसरों पर स्थापित मीटर को आने वाले केबल में कटकर अथवा एक अलग से केबल डालकर अनाधिकृत रूप से अपने अपने परिसरों में मीटर को बाईपास करते हुए विद्युत का उपभोग कर रहे हैं। इन सभी 12 लोगों के प्रति अवर अभियंता देवेंद्र सिंह के द्वारा एनटी थर थाना आसवाद में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय यह देखने में आ रहा है कि लोग अपने परिसरों में घरों में एसी तो लगा रहे हैं लेकिन एसी का संचालन मीटर के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसे सम्मानित उपभोक्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सुख सुविधाएं का लाभ उठाना चाहते हैं तो बिजली का वो भी मीटर के माध्यम से ही करें, अन्यथा की स्थिति में विभाग सजग और सतर्क है। आपके आए दिन प्राथमिकी दर्ज होती रहेगी जिसके कारण आप पर एक वित्तीय भार के साथ साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।